हेलो फ्रेंड्स, जीवन ब्यूटी टिप्स में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे अपने हेयर्स पे मेहंदी कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, मेहंदी लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं और बालों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। मेहंदी लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। कई बार दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हो कि मेहंदी कब लगाएं, हमारी मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आता, हमारी मेहंदी जल्दी उतरने लग जाती है, शैम्पू मेहंदी से पहले करें या शैम्पू मेहंदी के बाद करें। उन सभी जवाबों का आंसर आज मैं आपको दूंगी कि मेहंदी आप कैसे घोलें और कैसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करें। दोस्तों, जब भी आप कोई मेहंदी पैक लगाएं तो सबसे पहले आप अपने हेयर वॉश करें। आपके हेयर ऑयल फ्री होने चाहिए जिससे कि मेहंदी का रंग आपके बालों में अच्छा। तो चलो आओ मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी का पेस्ट तैयार करना है और कैसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आपने मेहंदी की पेस्ट तैयार करने के लिए आयरन का बर्तन ही यूज करना है, क्योंकि दोस्तों लोहे के बर्तन में मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। प्लास्टिक में मेहंदी का पेस्ट नहीं तैयार करना क्योंकि उससे मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आता। फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड की हरी मेहंदी ले सकते हो, आपको जो भी ब्रांड अच्छा लगता है आप उसकी ग्रीन कलर की मेहंदी यूज करें। आपको इसमें जितनी आपकी बालों की लेंथ है, आपके बाल छोटे हैं तो आप थोड़ी मेहंदी यूज करें, अगर लॉन्ग है तो अपने हिसाब से मेहंदी डालें। मेरे बाल लॉन्ग है तो मैं यहाँ पर मेहंदी के 6 से 7 चम्मच यूज कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मेन चीज है कि इसमें हम क्या क्या ऐड करें। फ्रेंड्स, आपको मेहंदी का पेस्ट तैयार करते हुए सिंपल पानी यूज नहीं करना, आपको चाय पत्ती का पानी या कॉफी पाउडर का पानी ही यूज करना है। देखो फ्रेंड्स, पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। देखो फ्रेंड्स, हमारा मेहंदी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मेहंदी का पेस्ट रात भर भीगने के बाद देखो मेहंदी फूल गई है और इसमें अब जब भी आपने मेहंदी अपने बालों पे अप्लाई करनी है तभी आपने ये चीजें मेहंदी में डालनी है जो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपने इसमें लेमन डालना है, आप इसमें 1 लेमन डालिए। में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के। फ्रेंड्स, दही हमारे बालों को कंडीशनर करता है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है और हमारे बालों को ड्राइनेस होने से बचाता है। देखो फ्रेंड्स, हमारी मेहंदी का पेस्ट अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब आप इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से पहले आप अपने फोरहेड एयर पर वैसलीन लगा लें जिससे कि मेहंदी का कलर आपके एयर्स और फोरहेड पर नहीं आएगा। सारे बालों में आप एक जैसी मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बाद शावर कैप से बालों को ढक लें। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप किसी पॉलोथिन का भी यूज कर सकते हैं, पॉलोथिन से अपने सारे बालों को कवर कर लें। मेहंदी कभी भी ओवरनाइट नहीं रखनी है बालों में, जब मेहंदी 4-5 घंटे लगी रहे तो फिर आप उसे धो लें। भी आप मेहंदी लगाकर हेयर वॉश करें तो हमेशा सिंपल पानी से ही अपने हेयर वॉश करें। मेहंदी लगाने के बाद आपको 2 दिन तक शैम्पू बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मेहंदी वाले हेयर अपने वॉश कर लें, तब आपको नारियल तेल, सरसों तेल, जिससे भी आप अपने बालों की मसाज करते हो वो हेयर ऑयल अपने बालों में अच्छी तरह लगा लो। बालों की रूट से लेके बालों की टिप तक अच्छी तरह से मसाज करें और उस ऑयल को पूरी रात अपने बालों में लगा रहने दें। 2 दिन के बाद जब भी आप शैम्पू करें
उसके बाद कंडीशनर यूज कर दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरह मेहंदी लगाने से आपके बालों का कलर भी कितना अच्छा हो गया है। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस तरह से मेहंदी लगाओगे आपके बालों में जल्दी कलर आएगा और आपके बाल ज्यादा शाइनी होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे।